राज्यपाल ने जानी आदिवासियों की तकलीफ, आदिवासी कल्याण समिति की लिए बैठक, कहा चुनौती की तरह लें समस्याओं को। गहलोत ने प्रदेश को सौंपा एक और विश्वविद्यालय, जयपुर में लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का किया लोकार्पण, तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी के जयंती समारोह में की शिरकत। निजी विश्वविद्यालय जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी की औपचारिक शुरुआत हुई। राजधानी के महापुरा में जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही आईटी एजुकेशन पर जोर दिया। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर पहचाने जाने वाले व्यवसायिक घराने के जेके समूह ने शिक्षा के क्षेत्र में नया पहल करते हुए प्रदेश में जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। यूनिवर्सिटी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जेके समूह के वाइस चेयरमैन भरत हरि सिंघानिया, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के वीसी उपेंद्र धर सहित कई गणमान्य लोग और शिक्षाविद मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईटी एजुकेशन पर भी जोर दिया। क्या कि हम लोग भी अन्य देश की तरह, मुल्कों की तरह, हमारे यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो देश में 12.5% मुझे बताया गया कि जो विश्व के औसत 23.2% बहुत कम है। अमेरिका जर्मनी में कहते हैं 75.80% वहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उच्च शिक्षा के अंदर। वीसी साहब बैठे हुए, मैं कहना चाहूँगा कि आप सब जितने वीसी हैं राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर के वो और सरकारी क्षेत्र के, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कैसे ये रेशियो बढ़े। नॉलेज इज पावर, जो नया युग शुरू हुआ है उसमें ये सोच सबकी है, तो ज्ञान में वृद्धि कैसे हो, उन शिक्षा कैसे प्राप्त करें, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। जो पूरे भारत में शिक्षा के केंद्र में राजस्थान एक पिछड़ा राज्य माना जाता था, मैं बधाई दूंगा सिंघानिया बंधुओं को कि मेरे स्वयं के अपने जिले झुंझुनू, मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के एक छोटे से गांव सिंघाना से 150 वर्ष पूर्व आप निकले यहाँ से और बिसाऊ गए, कानपुर गए, पूरे भारत में उन्होंने अपना हर क्षेत्र में परचम लहराया, चाहे वो इंडस्ट्रीज का था, चाहे एजुकेशन का था। समारोह में जेके समूह के वाइस चेयरमैन भरत हरि सिंघानिया ने व्यवसायीकरण के बगैर क्वालिटी एजुकेशन देने का सरकार और आमजन को विश्वास दिलाया। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रयास करने की बात भी कही। प्राइमरी स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल तक, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी हायर लर्निंग के लिए, और विजन हमारा ये है कि साक्षरता तो हो ही लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी भी हो और जो विद्यार्थी यहाँ से निकले वो अपने अपना स्थान बना सके, चाहे नौकरी पेशे में हो, चाहे अपने स्वयं कार्यकर्ता हो या देश को लीडरशिप हो। देश में विदेश में आजकल इंडियन टेक्नीशियंस, इंडियन एजुकेटेड आर्मियों की बड़ी नीड है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी से भी उस किस्म की क्वालिटी प्रोडक्ट हम बना सकें जो प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में कंट्रीब्यूट कर सकें और सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी में पीजी, यूजी, पीएचडी और रिसर्च भी कराई जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि निजी क्षेत्र का ये विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के साथ प्रदेश को शिक्षा के नए मुकाम पर ले जाने में कितना कारगर साबित होता है। आलोक शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और इधर शाम को मुख्यमंत्री अशोक मुख्यमंत्री ने प्रदेश को सौंपा नया विश्वविद्यालय। राजधानी में लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का किया लोकार्पण, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी के जयंती समारोह में कर रहे हैं शिरकत।